लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है। 10th 12th फेल व कम्पार्ट स्टूडेंट बचाए अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीग्रा व पांडेपुर वाराणसी। बेहतरीन कोविड प्रबंधन से दूसरे देशों को अपना मुरीद बनाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरत रही है। कई देशों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सर्वाधिक आबादी वाले प्रदेश के सभी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने लखनऊ में बैठक में कहा है कि दूसरे देशों और प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आ रहे हर व्यक्ति की आरटीपीसीआर जांच की जाए। उन्होंने कहा है कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ ही बिना जांच किए किसी भी यात्री को बाहर न आने दिया जाए। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के नाम से दुनिया के कई देशों में पहुंच चुकी है। ऐसे में भारत में भी इससे निपटने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। पर शहर बनारस के हरिश्चंद महाविद्यालय में कोरोना की तीसरी लहर को यहां के एडमिनिस्ट्रेशन ही दावत दे रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यहां 8 से अधिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, पर शायद ही इसे कभी रिफिल किया गया हो। छात्रों के अनुसार इसमें से आज तक सैनिटाइजर की एक बूंद नहीं टपकी, तो प्राचार्य के अनुसार रोज शाम में चेक करके खाली हुई मशीनों को रिफिल किया जाता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ऐसे में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ के गर्भगृह के आसपास भी तेजी से नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। ऐसे में 2 दिवस आंशिक रूप से मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया था, लेकिन आज यानी 1 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ के कपाट पूर्ण रूप से बंद है। मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए गुरुवार की सुबह 6 बजे से खोल दिए जाएंगे। इस दौरान मंदिर का लाइव दर्शन भी बंद कर दिया गया है। संदिम लहर तारा में कक्षा 3 की छात्रा से दुराचार के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस एक्शन में आ गई है। वहीं अपर पुलिस आयुक्त सुभाष चंद्र दुबे ने कहा है कि हर स्कूल में एक महिला कर्मी जरूर होनी चाहिए। उन्होंने स्कूल मैनेजरों को चेताया है कि 4 दिन बाद पुलिस स्कूलों का निरीक्षण करेगी, जहां कैमरे नहीं मिलेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुभाष चंद्र ने बताया है कि सभी स्कूल मैनेजर और प्रिंसिपल को निर्देश दिया गया है कि 4 दिन के अंदर जहां जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं है लगवा लें, खराब कैमरे दुरुस्त कराएं। स्कूल के अंदर गर्ल्स और बॉयज टॉयलेट हर फ्लोर पर होने चाहिए। साइबर अपराध के प्रति जानकारी की कमी के चलते आए दिन कोई न कोई इनका शिकार बनता है, लेकिन अब साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को अब साइबर जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को हरिश्चंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को धोखाधड़ी से बचने के तरीकों के बारे में बताया गया। इसके अलावा साइबर फ्रॉड से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। फर्जी ढंग से दूसरों की आईडी लेकर उनके नाम पर फाइनेंस कंपनी से लोन लेने वाले 6 साइबर जालसाजों को बुधवार को चंदौली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने विकास भवन के समीप अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 94,920 रुपए नकदी, 5 लाख रुपए कीमत से 20 मोबाइल, 13 पासबुक, 3 वोटर कार्ड, 16 चेकबुक, 10 पैन कार्ड, 35 सिम कार्ड, 42 रुपए कार्ड, 36 आधार कार्ड, 1 सोने की अंगूठी, लैपटॉप, 2 APS मशीन, 2 बाइक, 1 4-पहिया वाहन समेत अन्य वस्तुएं बरामद की हैं। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही काशी के घाटों पर विदेशी मेहमान 7 समंदर पार से कलरव करने के लिए पहुंच गए हैं। ऐसे में काशीवासी और सैलानी गंगा में नौका विहार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। 7 समंदर पार से आने वाले साइबेरियन पक्षी अटखेलियां और एक आवाज में हाथों में रखा दाना खाने की कौतूहल को देखने और एहसास करने सैलानी घंटों नौका विहार करते हैं, जिसकी वजह से नाविकों की आमदनी में इजाफा हुआ है। वहीं घाट किनारे बेसन का सेव बेचने वालों की भी चांदी हो गई है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के द्वारा बनाई गई स्पेशल जांच टीम ने मैराथन पूछताछ के दौरान सनबिम स्कूल के प्रबंधक दिलीप सिंह को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है।
इस मामले में कचहरी में पैरवी के लिए आए दो स्कूल टीचर्स को अधिवक्ताओं के गुस्से का शिकार बनना पड़ा। कचहरी के बाहर निकल रहे एक अध्यापक को अधिवक्ताओं ने लात घूसों से पीट दिया। इस दौरान वहां मौजूद क्राइम ब्रांच का सिपाही भी टीचर को नहीं बचा सका। इस दौरान टीचर बार बार यह कहता रहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। इसके पहले पुलिस लाइन में पूछताछ के बाद दीपक मधोक अपने सहयोगियों के साथ बिना मीडिया से बातचीत किए रवाना हो गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव का मकसद गर्व के उन पलों को याद करना है जिनसे भारत की आज़ादी का इतिहास जुड़ा है। ये महोत्सव सांस्कृतिक जागरण का भी माध्यम बना है। देश की युवा पीढ़ी भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासतों से परिचित हो रही है। ये बातें पर्यटन, संस्कृत एवं धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ व क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो वाराणसी द्वारा आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में कही। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह को दीपावली और देव दीपावली पर्व की तरह एक उत्सव के रूप में मनाए जाने की तैयारियों में काशी वासियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल, पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश, डीएम कौशल राज शर्मा, नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने शहर के प्रबुद्धजनों के साथ एक बड़ी बैठक कमिश्नरी कार्यालय स्थित ऑडिटोरियम में की। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा है कि हम सब मिलकर ऐसा माहौल बनाएं जिससे काशी की एक अच्छी छवि यहां आने वालों को देखने को मिले और विश्व में इसका संदेश जाए। उन्होंने कहा कि अच्छी सजावट करने वालों को प्रोत्साहन राशि इनाम में दी जाएगी।